खाओ बनाओ 96 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप लोग के लिए मैं तरह तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ, वो शॉर्ट वीडियो भी रहते हैं और लॉन्ग वीडियो रहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड आप लोगों को जैसे थंबनेल से पता चल गया, हम लोग बनाने वाले मंचूरियन ग्रेवी। क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़ने वाले आप लोगों को फटाफट बताता हूँ मैं। ये हमारे कुछ चाइनीज सॉसेस हैं जो हम लोग यूज करेंगे, लाइक सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली, रेड चिल्ली, टमाटो सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट लगेगा। यहाँ पे आप लोग प्लेट में देख सकते हो हम लोग थोड़ा सा अजीनोमोटो लिए हैं, टीस्पून हम लोग ने लहसुन लिया है, हाफ टीस्पून हम लोग ने गार्लिक लिया है और 5-6 हम लोग ने पतला पतला मिर्ची काट लिया हुआ है और ये ब्लैक पेपर। फिर होगी हम लोग ने शिमला मिर्ची छोटा छोटा काट कर लिया है, यहाँ पे हम लोग पत्ता गोभी हम लोग ने छोटा छोटा कट कर लिया है, ये थोड़े स्प्रिंकल अनियंस है जो हम लोग बाद में डालेंगे, थोड़ा सा अनियन भी पतला पतला काट लिया है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे मंचूरियंस, कॉर्नफ्लावर का घोल है और ऑयल ऐड मतलब गर्म हो चुका है। हम लोग जिंजर ऐड करेंगे, हम लोग का लहसुन ऐड करेंगे, मिर्ची ऐड करेंगे और जितने भी वेजिटेबल्स हमारे कट किए हैं स्लोली स्लोली ऐड कर देंगे। हम लोगों ने शिमला मिर्ची ऐड कर दिया, कांदा ऐड कर दिया और स्प्रिंकल अनियन जो है वो बाद में ऐड करना है और हम लोग उसको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। वेजिटेबल जो है ऑलमोस्ट सॉर्टे हो चुके हैं, अभी हम लोग को आगे का प्रोसेस स्टार्ट करना है। गैस का फ्लेम मैंने स्लो कर दिया है, सबसे पहले मैं हमारे सोया सॉस, डार्क सोया सॉस ऐड करूंगा। ये 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है, सेम फॉर द रेड चिल्ली सॉस। ग्रीन चिल्ली सॉस को हम लोग को भी 1 टीस्पून ऐड करना है, क्वांटिटी आप ज्यादा मत कीजिएगा। विनीगर हम लोग को बहुत लिटिल बिट डालना है, 1/4 टीस्पून और हम लोग को टमाटो सॉस भी ऐड करना पड़ेगा, तो ये 1 टीस्पून हम लोग को ये भी ऐड करना है। इस स्टेज में हम लोग को अच्छे से हमारे वेजिटेबल्स को मिक्स करना है और थोड़ा सा हम लोग को सेजवान सॉस भी ऐड करना है। हम लोग ने 1 टीस्पून सेजवान सॉस ऐड कर दिया, इसको स्लो आंच पे हम लोग बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ हम लोग को ग्रेवी बनाना है इसलिए हम लोग इसको अच्छे से बना लेंगे, पका लेंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर इसी स्टेज पे ऐड करना है, अभी हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम लोग को पानी ऐड करना है, तो ग्रेवी के हिसाब से आप लोग पानी ऐड कीजिएगा। थोड़ा मैं क्वांटिटी ज्यादा बना रहा हूँ उसके वजह से मैंने यहाँ पे पानी ज्यादा ऐड किया। आप लोग देखोगे एकदम मनचाओ सूप जैसा बनता है, वैसा ये कलर ले चुकी है। अभी ये हम लोग को फ्लेम हाई कर रहे हैं, ठीक है। स्टेज पे हम लोगों को हमारा नमक ऐड करना है, तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिए। ये अच्छे से बन रहा है, उबाल आएगा थोड़े टाइम में। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि बाजार में मंचाओ सूप के पैकेट्स आते हैं 10 रुपए वाले, वो इस स्टेज पे उसको आपको ऐड करना है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मंचाओ सूप का, इसमें मैंने मसाला ऐड किया है, इससे आपको स्लोली स्लोली एक चम्मच ऐड करना है। आप लोग जैसे देख रहे होंगे बहुत ही अच्छा कलर आ गया है हमारे ग्रेवी में,
कि हम लोग कॉर्न का स्कॉच इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देख रहे होगे स्लोली स्लोली ग्रेवी थिक बनना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे हम लोग को चलाते रहना है, यहाँ पे डालना है अच्छे से चलाते रहना, तो एकदम ग्रेवी हमारी थिक बन गई। ग्रेविन थोड़े टाइम में ही थिक हो गई है। अभी हम इस स्टेज पे हमारा मंचूरियन यहाँ पे ऐड करेंगे। तो मंचूरियन आपको जैसे कि पता है मैंने क्वांटिटी मेरी ज़्यादा है, तो आप लोग अपने क्वांटिटी के हिसाब से ग्रेवी बनाइएगा। वेजिटेबल्स इस स्टेज पे हम लोग को थोड़ा सा अजीनोमोटो ऐड करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था चाइनीज डिश है, तो हम लोगों को अजीनोमोटो यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। गैस का फ्लेम जो है वो हम लोग स्लो पे कर देंगे, ठीक है, और अच्छे से हम लोगों को ग्रेवी और मंचूरियन को पकाना है, ओके। और जितने ब्लैक पेपर बचे हुए हैं आप लोग को सारा इसमें इसी स्टेज पे ऐड कर देना है। आप लोग नमक बाद में भी ऐड कर सकते हो वाइल हीटिंग, ओके। ऐसे स्टेज पे हम लोग अब हमारा स्प्रिंकल अनियन ऐड करेंगे। ये देखिए, ये गार्निशिंग के लिए मैंने स्प्रिंकल अनियन ऐड कर दिया। आप लोग देख सकते हैं, मैं कैमरा एंगल चेंज करके आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है इसमें, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। अगर आपको और भी थिक चाहिए तो आपको कॉर्न का जो हम लोग ने लेप मतलब मिक्स करके बनाया वो आप वहाँ पे और डाल सकते हो। तो हम लोग फाइनल इसका टेक्सचर दिखाएंगे और खा के टेस्ट बताएंगे कैसा बना हुआ है। गाइस मंचूरियन ग्रेवी इज रेडी और मैं इसको अब खाऊंगा और आप लोगों को फीडबैक बताऊंगा। गाइस आपको अभी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मैं मंचूरियन ग्रेवी के ऊपर आते हैं हम लोग। ग्रेवी बहुत टेस्टी है, स्प्रिंकल ऑनियन के टेस्ट आ रहे हैं, ग्रेवी का जो थिकनेस हो गई बहुत ही लाजवाब है। गाइस ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए और अपने घर वालों को सबको खुश कीजिए।